अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पंचनामे के साथ मैं हूँ हमारी बराजा और आप देख रहे हैं पढ़लो का पंचनामा। आपने शादी पे मुफ्त बिरयानी तो खाई होगी, लेकिन कभी किसी शादी मुफ्त पेड़े खाई हैं? बताते चलेंगे, कुछ रोज पहले पंजाब मिनिस्टर मोहसिन लगारी की बेटी की शादी पे फवाद चौधरी और मुबशर लुकमान के बीच में तख कलामी हुई। ठीक खाना खाने के बाद फवाद चौधरी ने सलामी देने के बजाय मुबशर लुकमान को थप्पड़ दे मारा, जिसके बाद मुबशर लुकमान ने FI कटवाने का ऐलान किया। और ये मनाजर देखते हुए हमेशा की तरह हमारे सोशल मीडिया आवाम के हाथों में खुजली बढ़ने लगी, और देखते ही देखते ट्विटर के मैदान जंग में फवाद चौधरी के # सरे फहरिस्त नजर आने लगे। कुछ लोगों ने तो मुबशर लुकमान को 14 टीके भी लगवाने का मशवरा दिया। वैसे चौधरी साहब, आप तो शादियों में बाउंसर अच्छे बन सकते हैं, खासकर उन मेहमानों के लिए जिन्हें शादी का खाना पसंद नहीं आता या जहेज में टोयोटा कोरोला नहीं मिलती। खैर आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली DGI SPR आसिफ गफूर ने ट्विटर पे एक मासूम सी ट्वीट की, जिस पे मोहल्ले के पंगेबाज जर्नलिस्ट सना बुचा ने अपने 2 सेंट्स देते हुए आसिफ गफूर की ट्वीट पे अपने ट्वीट्स के दस्ती बॉम्ब गिराए, जिसके जवाबी कार्रवाई में आसिफ गफूर ने अपने तोपों का निशाना सना बुचा की तरफ मोड़ दिया। इस जंग को देखने के बाद हमारे ट्विटर के मुजाहिदीन अपने हवस को काबू में ना रख पाए और मैदान जंग में शामिल हो गए, लेकिन इस बार ट्विटर के मुजाहिदीन दोनों तरफ बराबर खड़े नजर आए। अपने हक की जंग लड़ते हुए हमारी आवाम ने सना बुचा के खिलाफ नारे लगाए और फेसबुक पे कीबोर्ड जम हड़ताल करने का फैसला भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि आसिफ गफूर को इस किस्म की बचकाना हरकत नहीं करनी चाहिए थी, जबकि कुछ तो सना बुचा को इब्रत का निशान तक बनाने में लगे हुए थे। और लड़ते मरते आखिरकार # चूसने के मुंह वाली ट्विटर पर ट्रेंड बना दिया गया। वैसे बुचा जी काफी टाइम से लाइमलाइट में नहीं आई थी ना, क्या करें, कीड़ा सिर्फ दांतों में नहीं होता, छोटी मोटी एडिशन सीखनी तो करनी होती है। माफ कीजिएगा, उससे मैं इधर उधर निकल जाती हूँ। उधर डिफेंस के इलाके में नामालूम मवेशी, मेरा मतलब है नामालूम खूंखार औरत का दूसरा वाकया मंजरआम पे देखने को मिला। बताते चलें कि डिफेंस जैसे इलीट क्लास इलाके में इस खूंखार औरत ने पहले तो एक मासूम ट्रैफिक पुलिस वाले को अपने एक्सपेंसिव नाखूनों से नोच डाला था, और इस बार इस औरत ने मासूम शहरी को भी निशाना बनाया। इस खौफनाक हादसे के बाद तमाम मिडिल क्लास माएं अपने बच्चों को घर पर रखने पर मजबूर हैं, और इलाके के दुकानदार भी अपनी दुकानें जल्दी बंद करने पर मजबूर हैं। अवाम ने हुकूमत से वहशी पकड़ विंग बनाने की दरख्वास्त भी की है। एक मिनट, ये वही खूंखार औरत है ना जिसने बुरखा पहन के माफी मांगी थी? वहाँ पड़ोस मुल्क भारत अपने फौजियों को खाना ना देने पे तो वैसे ही मशहूर है। कुछ रोज पहले एक भारतीय फौजी इंडिया से फिसलकर पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय फौजी का कहना था कि सर्दियों में उनकी फौज की तरफ से चाय तक ना मिलने पर उनकी नियत के साथ साथ वो खुद भी फिसल गए और पाकिस्तान आ पहुंचे। ये खबर जब फेसबुक की दुकानों पर नुमाइश के लिए सजाई गई तो हमारी फराकत से भरपूर आवाम अपनी हसद को संभाल ना सकी और अपने दस्ती # और कॉमेंट्स की तेज तलवार से खूब वार किया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने भारतीय फौजी को लाहौर में नाश्ते की दावत भी दे दी। वैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सही कहा था कि बाहर से लोग पाकिस्तान आएंगे। एनीवे, भारत को अपनी फौज के खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए, वरना ये फिसल के इधर उधर निकल आते हैं। बाय द वे सरदार जी, द स्लिप वाज फैंटास्टिक। हमारी गुजारिश है अपने तमाम व्यूअर्स से कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर ठंड लगे तो कम्बल का इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा ठंड लगे तो कॉफ़ी पिएं, और ठंड ना ख़त्म होने की सूरत में अपने सेल फोन छोड़ के काम धंधे पर फोकस करें। शुक्रिया। तो ये था अब तक का तहलका खेज पंचनामा। हमारे अगले पंच का इंतजार कीजिए। मैं हूँ अली बराजा, अल्लाह हाफिज। ठीक खाना खाने के बाद बवाद, चपेड़ियाँ का चपेड़ियाँ। ओह गॉड, कुछ रोज पहले मुबशर लुकमान कहाँ पे आ गए? तुम्हें चैन नहीं है? ये देखते ट्विटर के मैं डिजी है जा उधर के # सरे फहरिस्त न लिखो। हक की जंग लड़ने का फैसला भी किया, नहीं जंग में शामिल हो गए, और मुझे पता है कैमरा रोलिंग पे अभी काबू में ना रख पाए और मैदान जंग में शामिल करेंगे का फैसला भी किया। इस जंग को बुचा के खिलाफ
हसन तुम ना पिटोगे इससे।